आईपीएल 2020 का पहला शतक केएल राहुल ने लगाया। ऋषभ पंत का तोड़ा रिकॉर्ड। दोस्तों आपको लास्ट में फुल हाईलाइट दिखाएंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि ऋषभ पंत ने कैसे परखे उड़ाए हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने आईपीएल 2020 का पहला शतक जमाया। लोकेश राहुल ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ खेले जा रहे मैच में शतक जमाया। केएल राहुल ने 69 गेंदों पर नाबाद 132 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 14 चौके और 7 छक्के लगाए। ये राहुल के आईपीएल करियर का दूसरा शतक है। राहुल ने 2019 में अपना पहला आईपीएल शतक मुंबई इंडियंस के खिलाफ जमाया था। केएल राहुल का स्कोर आईपीएल में किसी भारतीय का सर्वोच्च स्कोर भी है। इससे पहले का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, जिन्होंने नाबाद 128 रन बनाए थे। राहुल से पहले इस सीजन का सर्वोच्च स्कोर उनकी ही टीम के मयंक अग्रवाल के नाम था। आपको बता दें, मयंक अग्रवाल ने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 89 रन बनाए थे। राहुल को इस पारी में विराट कोहली ने 2 जीवन दान दिए। आपको बता दें, कप्तान केएल राहुल के नाबाद 132 रन की बेहतरीन शतकीय पारी के दम पर किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सामने 207 रनों का लक्ष्य रखा। पंजाब ने आखिरी 5 ओवरों में 80 रन बनाए, 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 206 रन बनाए। राहुल ने शतक में बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली का भी योगदान रहा, क्योंकि विराट कोहली ने राहुल के 2 कैच छोड़े थे। जी हाँ दोस्तों, हर आईपीएल मैच के बाद में मैच की इन्फो पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।